आज भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो पक्षर् लंच हे आजादी साटेलाइट पूर्वाह्न 9:18 रे श्रीहरिकोटा महाकाश केन्द्र साटेलाइट को लंच करने को समय धार्य कर सबुठ बड़ कथा साटेलाइट को प्रस्तुत कर 75 स्कूल मोट 750 जन छात्र 8 केजी ओजन साटेलाइट रही सेल्फी कैमेरा जहां समस्त पैनल और दूर संचार ट्रांसपोंडर फोटो उत्तोलन करने को सक्षम एसएसएलवी डी1 रॉकेट माध्यम रे एही सैटेलाइट को लॉन्च करा जबो ईओएस 2 उपग्रह को कक्ष पथरे रखबा पई मात्र 12 मिनिट रु अधिक समय लागबो नाउ वी हैव गॉट द कंफर्मेशन दैट द सेकंड स्टेज हैज बीन सेपरेटेड थर्ड स्टेज इग्नाइटेड जी हां द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा को स्पेस पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है। Right now the SSLV is in its third stage regime. The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HDPB based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलो न्यूटन का उत्पन्न करेगा। थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल इस चरण के दौरान ही कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी। प्लस 7 मिनट्स सिंगापुर एंड पोर्ट ब्लेयर स्टेशन स्टिल ट्रैकिंग द एक्शन टाइम फॉर थर्ड स्टेज इज 112 सेकेंड्स आफ्टर विच देयर विल बी अ कंबाइंड कोस्ट फेज। थर्ड स्टेज एक्शन कंप्लीटेड तृतीय चरण अपना प्रज्वलन कार्य पूर्ण करता हुआ व्हीकल इज इन होस्टिंग प्रेजेंटली इट्स द रेजिम ऑफ कोस्टिंग द थर्ड स्टेज हैज कंप्लीटेड इट्स ऑपरेशन बट येट टू सेपरेट फ्रॉम द ऑनगोइंग लॉन्च व्हीकल कंट्रोल फॉर पिच यॉ एंड रोल बीइंग प्रोवाइडेड बाय द वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल थ्रस्टर्स In about 3 minutes of coasting, there is a triple velocity addition and triple altitude gain. VTM will then operate and compensate for the velocity necessary for the injection of satellites and also the correct altitude. भारत इस साल को आजादी के अमृत महोत्सव की तरह मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में पूरे भारत में तरह तरह से इसे मनाया जा रहा है। इसमें सभी ओर विकास और उन्नति की दिशा को दिखाया जा रहा है। यह पर्व इसरो में भी मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ मिशन न सिर्फ एक नवीन प्रमोचन यान का प्रदर्शक है बल्कि मिशन के उपग्रह आजादी सेट पर आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। We are 9 minutes past the launch time. Combined coasting in progress right now. यह मिशन एक और कारण से महत्वपूर्ण है। इस यान में सफर कर रहे आजादी सेट को हमारे देश के ही 750 स्कूली छात्राओं ने मिलकर बनाया है। इस तरह यह मिशन महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए वुमेन इन स्पेस के थीम को भी सहायक बन रहा है। VTM वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल व टर्मिनल चरण है जो कि अंतक्षेपक की पूरी स्थितियां प्राप्त करेगा।
प्लस 10 मिनट्स. You are watching us live from the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. This is a maiden launch of SSLV D1 EOS-03 mission